निशा रसोई की आज की रेसिपी है मैंगो सूजी केक। मैं मैंगो केक बना रही हूँ सूजी का। ये दशहरी आम है चार, मैं इसको कट कर इसके पीस बनाकर मैं मिक्सर की जार में पीस लूँगी। एक कटोरी मैंने सूजी ले ली हूँ, एक आधा कटोरी मैंने नारियल का मुरादा ले ली हूँ, जो पिसा हुआ सूखा खोपरे का पाउडर आता है ना वो, ये दूध का पाउडर है, ये काजू बादाम है, और ये चीनी है 10 छोटे चम्मच, और ये है मीठा सोडा, ये है बेकिंग पाउडर। अब सूजी को मैं पीस लूँगी। सूजी को मैंने अच्छी तरीके से छान ली हूँ, अब इसको मैं पीस लूँगी और चीनी को भी मैं पीस लूँगी और आम को भी कट करके मैं मिक्सर के जार में पीस के ले लूँगी। आगे मैं दूध और घी भी इस्तेमाल करूँगी। आम को भी मैंने पीस ली हूँ और सूजी को भी मैंने पीस ली हूँ और ये कोकोनट पाउडर को भी मैंने पीस ली हूँ और चीनी को भी मैंने पीस ली हूँ। आम अगर आपके ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी आप देख के कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं सूजी को ऐड कर लूँगी बर्तन में। सूजी के साथ में कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दूँगी, पीस कर ले ली हूँ मैंने। दूध का पाउडर भी मैं ऐड कर लूँगी, चीनी भी मैं ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी और मैंगो को भी मैं ऐड कर लूँगी। घी चाहे तो आप डालडा भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, या तो देसी घी भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे आम को ऐड करूँगी और घी को भी मैं गरम कर ली हूँ, इसको भी मैं ऐड कर लूँगी और सारों को मैं, इतना मैंने दूध ले ली हूँ और मैं सारों को अच्छे से मिला लूँगी। सबको मैं अच्छे से मिलाकर देख देख कर दूध ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड कर दूँगी और दूध को भी मैं अच्छे से मिलाकर सूजी में ले लूँगी। दूध में देख देख कर ही ऐड करूँगी क्योंकि हमको ये बैटर पतला नहीं चाहिए, देख कर ही हमको दूध को ऐड करना है। और थोड़ा दूध में ऐड कर लूँगी और सारों को मिलाकर, इतना दूध बच चुका है हमारा, सारों को मिलाकर मैं ढक कर 20 मिनट तक, ताकि सूजी हमारी अच्छे से ये दूध को पी ले और ये फूट जाए। इसमें ये सोडे भी ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिला दूंगी। इसको हमको एंड टाइम पर ही लास्ट में मिलाना है और सारों को मैं अच्छे से मिला कर ले लूँगी। एक बर्तन में मैंने अच्छे से घी लगा ली हूँ, इस तरीके से घी लगा कर ले ली हूँ और सारों को मैंने अच्छे से मिला ली हूँ। अब इस बर्तन में मैं ये बैटर को ऐड कर दूंगी। अरे सूजी को मैंने बर्तन में ऐड कर ली हूँ। अब ये काजू बादाम जो मैंने कट कर रखी थी इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। गैस मैंने ऑन कर दी हूँ। गैस मैंने ऑन कर दी हूँ और तपेली में मैंने इस तरीके का ये रख ली हूँ। ये आता है ना जिससे हम हंडा वंडा या मटका रखते हैं, इसको मैंने ऐड कर ली हूँ। ये बहुत ही गर्म हो चुका है, इसको मैं संभाल कर इसमें ऐड कर दूँगी और ढक कर मैं इसको 25 मिनट तक अच्छे से ढक कर नॉर्मल गैस पर छोड़ दूँगी। आधा घंटा हो चुका है और ये नॉर्मल गैस पर मैंने इसको छोड़ दी थी, देख सकते हैं आप, ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं ठंडे के लिए छोड़ दूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। अब केक को मैं छुरी से इस तरीके से साइड से निकाल लूंगी और इसको प्लेट में ऐड कर लूंगी।
देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये बन चुका है ये केक। अब मैं इसको पलटी मारूं, देख सकते हैं आप ये केक कितने अच्छे से बन चुका है। इसको मैं कट कर लूंगी। कितना बढ़िया ये केक बन चुका है। मैंगो सूजी केक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।